औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर ने एमडी कैट 2022 का जो पंजाब प्रोविंस में एग्ज़ाम लिया था उनके क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रहे कि जो क्वेश्चन पेपर्स हैं ये मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पीडीएफ के फॉर्म्स में अवेलेबल थे, तो वहाँ से प्रिंट करके हम इसका सॉल्यूशन स्टूडेंट्स की गुड फेथ में स्टूडेंट्स को ये बताने के लिए कि सवाल किस तरीके के आए थे, इसलिए इसका सॉल्यूशन बनाकर हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं अगर आप 0333224301 पर अपने नाम के साथ एक मैसेज कर दें ताकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड कर दिया जाए, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग तक पहुंचे। बायोलॉजी के क्वेश्चन से बेटा हम स्टार्ट करते हैं। हमने आंसर की वेरीफाई की है पीएमसी की वेबसाइट पर जो अवेलेबल थी, और उन आंसर्स की इसको इस वक्त हम यहाँ पर आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं। सवाल है, व्हाट इज़ द टर्म बैक्टीरियोफेज रेफर्स टू? सर, बैक्टीरियोफेज रेफर्स टू अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स अ बैक्टीरिया। चूँकि फेज का मतलब होता है ईटिंग, और बैक्टीरियो मतलब है बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस, तो बैक्टीरियोफेज हो जाएगा। इसको हम T4 वायरस या टेटपोल भी कहते हैं। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग वायरस कंटेन सिंगल स्ट्रैंड डीएनए? हम कहते हैं सर वैसे तो आपके पास जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंड होता है, लेकिन पार्वो वायरस इज द टाइप जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद होता है। हाउ मेनी टेल फिब्रिल्स आर अटैच टू एंड प्लेट ऑफ अ बैक्टीरियोफेज? तो सर बेस प्लेट पर टोटल 6 आपके पास टेल फिब्रिल्स मौजूद होती हैं। द एंजाइम इंटीग्रेज प्रोटीएज एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आर फाउंड इन विच वायरस? सर, आपकी बॉडी में जो HIV यानी एड्स का वायरस होता है, ह्यूमन इम्यून वायरस, उसमें ये तमाम के तमाम प्रॉपर्टीज शामिल हैं। इसके अलावा और किसी वायरस में ये तमाम प्रॉपर्टीज शामिल नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। व्हाट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज बाय ईस्ट? सर, ईस्ट कर रहा है तो हम कहते हैं फर्मेंटेशन होती है। फर्मेंटेशन में हमेशा इथेनॉल बनता है, तो इथेनॉल यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी है। लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती, वाटर रिलीज नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगर मैं सवाल बदल देता, ईस्ट की जगह मैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहता, तो आंसर लैक्टिक एसिड होता। बहुत सारे स्टूडेंट उस दिन ये परेशान रहे कि शायद लैक्टिक एसिड जवाब है, लेकिन चूंकि ईस्ट कहा गया इसलिए इथेनॉल इसका करेक्ट आंसर है। ईच कैरियर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन फर्स्ट डैश इस फर्स्ट डैश एंड देन डैश? सर, कैरियर सबसे पहले रिड्यूस होता है, इन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, फिर लूज करता है। गेन करके वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, और फिर इलेक्ट्रॉन लूज करके वापस अपनी पोजीशन पर आता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक्सप्लेन ATP सिंथेसिस बताता है वो। अगर आपको याद है तो पहले ग्लाइकोलाइसिस, फिर क्रैब्स साइकिल, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आता है। व्हाट इज द कलर ऑफ क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल? क्लोरोफिल बी इज अ येलोइश ग्रीन कलर मॉलिक्यूल, तो ये येलोइश ग्रीन इसका सही जवाब हो गया। चाहे इसमें से बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो पास्ट पेपर्स में इस तर्ज पे सवाल पूछे गए हैं, इसीलिए पास्ट पेपर्स सॉल्व करना बड़ा ज़रूरी होता है हमारे लिए। अपॉन इनिशियल हाइड्रोलिसिस स्टार्च यील्ड्स? हाइड्रोलिसिस करते हैं तो स्टार्च से सबसे पहले माल्टोज बनता है, माल्टोज फिर फर्दर बेटा ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। बच्चे इसका जवाब डायरेक्ट ग्लूकोज समझ रहे थे, लेकिन आगाज में वो माल्टोज में कन्वर्ट होकर आगे बढ़ता है। ह्यूमन बोन सेल्स कंटेन 20% ऑफ वाटर? देखो, बायोलॉजी में दो तरह के सवाल आते हैं, एक डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड होता है और एक एक्सप्लेनेशन होता है। थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल बेस तो आ नहीं सकता आपके पास। यूनिक 3D शेप टर्शरी की होती है सर, जिसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि हमारे पास लाइसोसोम्स आते हैं। बच्चे कह रहे थे तो क्वार्टरनरी में भी तो होता है। याद रहे क्वार्टरनरी में दो मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे मैं अगर कहूँ हीमोग्लोबिन, तो ग्लोबिन की दो चेन है, अल्फा और बीटा। ब्यूटेरिक एसिड इज अ कार्बन फैटी एसिड, सर इतनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है कि पता है, ब्यूट मतलब चार होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल? कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल का मतलब होता है जो कंबाइन हो ना एक से ज़्यादा में, तो ग्लाइकोप्रोटीन इज अ कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल। हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस इज अ रिवर्स ऑफ डैश। कंडेंसेशन में आपको वाटर मिलता है, हाइड्रोलाइसिस में आप वाटर इस्तेमाल करते हैं, तो ये उसका रिवर्स प्रोसेस बन जाएगा। प्रोटीन आर द मेन डैश ऑफ द सेल, दे आर द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल। चूँकि आपके प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं और वो पूरी बॉडी के सेल्स कंस्टिट्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। सेल वॉल मे बी एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? प्लांट में सवाल पैदा नहीं होता कि सेल वॉल एब्सेंट हो, एल्गी में सवाल पैदा नहीं होता कि सेल वॉल एब्सेंट हो, फंजाई में सवाल पैदा नहीं होता कि सेल वॉल एब्सेंट हो, लेकिन देर आर सम बैक्टीरियाज और आर्ट की बैक्टीरियाज
जिनमें सेल वॉल एब्सेंट हो सकती है और वो सर्वाइव करते हैं। स्ट्रक्चर फॉर्म बाय इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल। सर, प्रोकैरियोटिक सेल में एक एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट होता है, उसको मीजोसोम कहते हैं। लाइजोसोम, गोल्जी बॉडीज और फ्रैग्मोप्लास्ट हो ही नहीं सकते प्रोकैरियोटिक में, क्योंकि ये आपके पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंबल सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स, साइटोसोल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडीज, लाइजोसोम, ER, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइजोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, अब आप इसमें कंफ्यूज हुए बहुत सारे बच्चे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड पर। बुक में दो तरह के कॉन्सेप्ट चलते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कहते हैं। सिंगल का मतलब होता है मेम्ब्रेन रखना, नॉन का मतलब मेम्ब्रेन ना रखना। या फिर कॉन्सेप्ट चलता है हमारे पास सिंगल और डबल, तो ये सिंगल और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड वाला कॉन्सेप्ट है, चूंकि राइबोसोम में आपके पास जो है वो मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन मौजूद होती है एक कॉन्सेप्ट से, या नो मेम्ब्रेन मौजूद होती है। इस कॉन्सेप्ट पे अगर हम इसको अब आकर देखते हैं तो हमारे पास गोल्जी बॉडीज, लाइजोसोम और ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन। थोड़ा ट्रिकी सवाल था ये। माइटोकॉन्ड्रिया पर आते हैं तो हम उसको डबल मेम्ब्रेन बाउंड की तरफ लेकर जाते हैं, चूंकि उसकी सिस्टरनी की मेम्ब्रेन्स बनी हुई होती हैं। राइबोसोम में तो आपके पास मेम्ब्रेन होती नहीं है, चूंकि प्रोकैरियोटिक में भी होता है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है मूविंग लो टू हाई। इस तरह के जो सवाल है यही इस वक्त अंडर कंसिडरेशन है PMC के सिलेबस में, क्योंकि इसमें आपके पास ऑप्शंस बड़े कंफ्यूजिंग है, तो हो सकता है इस तरह के क्वेश्चंस के ग्रेस मार्क्स मिले। ये इंटरमीडिएट के लेवल से ऊपर के सवाल है, जो लोग फिजियोलॉजी में MS BS कर रहे होते हैं उनको इन लेयर्स के और ज़्यादा जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में पता होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये होता है, एनर्जी के साथ होता है। सर, द डाइजेसिव वैक्यूल एंड ऑटोफेगोसोम आर ऑल्सो नोन एज, डाइजेसिव वैक्यूल और ऑटोफेगी आ गया तो सेकेंडरी लाइजोसोम बन जाएगा। द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, अब एग्जैक्टली अगर हम नाम यूज करते हैं तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स होते हैं, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ म्यूरिन। वो बच्चे ढूंढ रहे थे पेप्टाइडोग्लाइकॉन लेकिन ये मिला, तो पेपर थोड़ा सा ट्रिकी था यहाँ पर। विच वन इज कॉमन इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक? सर, राइबोसोम चूंकि प्रोटीन सिंथेसिस करता है तो यही वाइज चीज है जो दोनों में मौजूद होता है। देर इज नो क्लियर डिफरेंस बिटवीन डेंड्राइड्स एंड एक्सॉन्स इन सेंसरी न्यूरॉन एक्सेप्ट द टर्मिनल पोर्शन, थिकनेस सेम है, लेंथ सेम है, लेकिन टर्मिनल पोर्शन एक अलग है और दूसरा अलग है। द न्यूरो ट्रांसमीटर एक्टिव आउटसाइड द CNS इज एसिटाइलकोलीन, अ हार्मोन दैट प्लेज अ मेजर रोल इन सोशल बॉन्डिंग, चाइल्ड बर्थ, मिल्क इजेक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सब ऑक्सीटॉक्सिन है। ये आप लोग फीडबैक मैकेनिज्म में भी पढ़ते हैं। हार्मोन प्रोड्यूस बाय प्लासेंटा, प्रोजेस्ट्रॉन, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। The middle layer of meninges is basically arachnoid matter. The part of brain which guide a smooth and accurate motion is the cerebellum. What a vascular or umbilical system? What a vascular system? हमारे पास echinoderms का unique system होता है ना? Roundworms belongs to which phylum? Nematoda. Silverfish is an insect. बच्चे fish समझ के fish लगा के आ गए होंगे. Tissues are not found in the following animals. सर, स्पॉन्जेस में आपके पास कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी बाय स्टेबलाइजिंग द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ अ मेटाबॉलिक रिएक्शन ड्यू टू चेंजिंग कंडीशंस विद इन द एक्टिव साइट। अगर चेंज हो गया तो आपके पास प्रॉब्लमेटिक होगा। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर कंपीट विथ सबस्ट्रेट। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर कहाँ लगता था आकर? सबस्ट्रेट पर लगता था, नॉन कॉम्पिटिटिव सबस्ट्रेट के अलावा। तो ये आ गया सवाल। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर मॉलिक्यूल हैव अ क्वाइट डिफरेंट स्ट्रक्चर फ्रॉम द सबस्ट्रेट। सेम होता तो उस पर लग जाते और कॉम्पिटिटिव कहलाते, डिफरेंट है इसीलिए उस पर नहीं लग रहे। जिंक आइन इज अटैच एट द साइट ऑफ एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, द जिंक आइन फंक्शन एज। सर, जिंक आइन एक्टिव साइट पर लगता है और उसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है, तो वो एक एक्टिवेटर के तौर पर काम कर रहा है। वॉट इज द बेस्ट फिजियोलॉजिकल pH फॉर मोस्ट ऑफ द सेलुलर एंजाइम्स ऑफ ह्यूमन? ना बहुत ज्यादा एसिडिक, ना बहुत ज्यादा बेसिक। मोस्ट ऑफ द एंजाइम वर्क्स एट 6-8 pH। एडेप्टेशन दैट एन ऑर्गेनिज्म एक्वायर बाय इट्स ओन एक्शन, तो वो नॉन हेरिटेबल कहलाएंगे। यानी किसी चीज को याद करना, किसी चीज के बारे में पढ़ना, हेयर स्टाइल बनाना, ये हेरिटेबल तो नहीं है। फॉर एवोल्यूशनरी प्रोसेस टू अकर,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ज्योग्राफिकल बैरियर, एटमोसफेयर इज नॉट अ ज्योग्राफिकल बैरियर, चूंकि वह हर जगह सिमिलर मिलता है आपको. अकॉर्डिंग टू द बायोजेनेटिक लॉ ऑफ अर्नेस्ट हेकल, ऑन्टोजनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजनी. ये यहाँ पर आपके पास इस स्टेटमेंट में मौजूद है. द एनिमल स्पीशीज ऑफ गैलापागोस रिसेंबल स्पीशीज हैविंग साउथ अमेरिकन मेनलैंड. इस तरह के क्वेश्चंस पर भी इस वक्त ऑब्जर्वेशन मौजूद है, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जिनका डायरेक्टली कहीं लिंक नहीं बनता हमारे पर्टिकुलर सिलेबस के साथ. डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन इज कैरी टू लिवर बाय द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, सो दैट्स हेपेटिक पोर्टल वेन. डैश प्रोटीन आर प्रोड्यूस्ड बाय WBCs, एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज. द लिम्फेटिक वेसल ऑफ द बॉडी एम्प्टी द लिम्फ इनटू द ब्लड स्ट्रीम एट सबक्लेवियन वेन, अनदर क्वेश्चन अंडर ऑब्जर्वेशन. फ्लो ब्लड इन द कैपिलरीज इज एडजस्टेड बाय, स्फिंक्टर कहते हैं वॉल्व्स को, तो कैपिलरी से पहले जो वॉल्व होंगे वो उसको कंट्रोल कर रहे होंगे. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्यूशन सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीक्वेंस ऑफ एनएरोबिक. एनएरोबिक हाई कंजम्पशन ऑफ एनर्जी नहीं होता, कैम्प्स भी होते हैं, पेन होता है, टाइटनेस होती है, लेकिन हाई कंजम्पशन नहीं होती, क्योंकि लैक्टिक एसिड बनता है इसमें ह्यूमन मसल्स में. तो द रेस्पिरेटरी सरफेस एग्जिबिट द फॉलोइंग कैरेक्टर, इट मस्ट बी परमिएबल अदरवाइज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोट. ई कोलाई इज अ बैक्टीरिया, पूरा नाम होता है इशीरिशिया कोलाई, सो बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोट. नंबर ऑफ लेयर प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बेसिकली टू लेयर्स आर प्रेजेंट. द डिवीजन ऑफ कॉक्साई इन थ्री प्लेन्स फ्रॉम सार्कीना, विच इज अ क्यूब ऑफ, सार्कीना इज अ क्यूब ऑफ एट कॉक्साई, सो एट इज द राइट आंसर. विच इज द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. ट्यूबरक्लोसिस एंड नमोनिया आर कॉज्ड बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एल्स स्टेटमेंट ठीक नहीं है. नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया आर द एग्जाम्पल ऑफ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बिकॉज दे प्रोड्यूस बाय द हेल्प ऑफ केमिकल्स. Each human testis is divided into 250 to 300 lobules. Again, another question under observation. Which cell, क्योंकि इस तरह के जो बड़े close questions होते हैं ये अक्सर नहीं दिए जाते थे इम्तहान में. Which cell in the human males are responsible for release of testosterone? They are basically the Leydig cells or interstitial cells. Fertilized ovum implant कहाँ होता है सर? Uterus में. लेवल ऑफ एल एच इज मैक्सिमम इन द ब्लड. जब ओव्यूलेशन फेज होता है तो आपके पास एल एच का लेवल मैक्सिमम होता है. आगे बढ़ते हैं. मेजर सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सिफिलिस, ये STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट. वॉट इज फॉल्स अबाउट कार्टिलेज, देर आर मेनी ब्लड वेसल्स. नो, कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स कम होती हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मसल कंपोनेंट दैट एक्ट एज अ स्टोरेज ऑफ एनर्जी. सर क्रिएटिनिन फॉस्फेट. अब बच्चे कहते हैं सर ATP क्यों नहीं, ATP इज द करेंसी ऑफ द सेल, दे आर आस्किंग फॉर एनर्जी. बच्चे कहते हैं मायोग्लोबिन क्यों नहीं, मायोग्लोबिन हमारे पास बेटा एक्ट करता है मसल की रेस्पिरेटरी पिगमेंट के तौर पर. ट्रिकी क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन स्केलेटल मसल फाइबर इन ह्यूमन. स्केलेटल मसल फाइबर लार्ज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन नहीं होता, मायोग्लोबिन होता है. ऊपर वाली बात यहाँ पर अगले सवाल में आ गई. Hinge joint is present between humerus and radio ulna. हाथ में जो होती हैं. Test cross is made to check the genotype of triad. Which of the following cross is a test cross? Unknown को जब आप homozygous के साथ करते हैं तभी आपके पास test cross बनता है बेटा, बाकी सब में test cross नहीं है. आप कहेंगे सर ये भी तो था, लेकिन tall को देख के आप बता सकते हो कि कौन सा tall था, लेकिन dwarf तो आपको पता ही होता है ना वो कौन सा है. What happens when an Rh negative woman married a Rh positive man? सर इट इज़ अ मेटर्नल फिटल इनकम्पैबिलिटी. ये अगेन किताबों में डायरेक्ट मौजूद है. DNA स्टोर बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन इन डिस्क्रीट यूनिट एंड दैट यूनिट इज कॉल्ड एज अ जीन. टू स्टडी द सेक्स लिंक इन ड्रोसोफिलिया, मॉर्गन ने क्या इस्तेमाल किया था. मॉर्गन ने वाइट आइड मेल लिया था रेड आइड फीमेल के साथ, और ऑल रेड टाइप मेल्स एंड फीमेल्स मिले थे उन्हें. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर. हम जानते हैं सर एक्स पर आपके पास डोमिनेंट डिसऑर्डर्स होते हैं. इसमें आप कहेंगे सर हमने हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस ये सब भी पढ़े थे, लेकिन जो रिकेट्स है हमारे पास वो डोमिनेंट कैरेक्टर्स में आता है, बाकी सब रेसेसिव कैरेक्टर्स में आते हैं. लास्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी का. इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम केमिस्ट्री, फिजिक्स और लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश भी पढ़ेंगे. मोड ऑफ इनहेरिटेंस इन ह्यूमन कैन बी ट्रेस बाय अ पेडिग्री एनालिसिस. तो उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों के यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं, और आने वाले लेक्चर्स में हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी सॉल्व करेंगे. अपना ख्याल रखना बेटा आप सब लोग. अल्लाह हाफिज़.